हाथ से देखो, एकदम हाथ से इसको पूरे पे मिक्स करेंगे इसको, और फिर आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या हो रहा है। तो ये लगे हुए हैं नींबू, तो यहाँ से 4-5 नींबू भी ले जाते हैं, क्योंकि उसमें ना मतलब और अच्छा हो जाएगा, 4-5 नींबू आएंगे तो फिर मिर्च के साथ नींबू बढ़िया रहता है। तो ले चलते हैं भाई पहले। तो ये देखो प्यारे प्यारे नींबू लगे हुए। और दूसरा स्टेप है हरी मिर्च निकालना, जो कि मतलब हमने बेल से ही इसको निकालना है पूरा, मतलब जैसे पूरी मिर्च होती है ना, जैसे खाने के लिए हो जाए तो ऐसे निकालना है ये देखो आप, ताकि ये पीछे वाला डंडा भी निकालना है और मिर्च भी निकालनी है, ताकि जब हम इसको बनाएं ना तो जब खाएं तो ऐसे मिले इसको, तो ऐसे करके हम इसको खा सकते हैं पूरा। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ इस पर, ये देख सकते हो ये टोकरी है और इस पर एकदम मिर्च निकाली जा रही है। अभी मम्मी भी थी यहाँ पर लेकिन अब वो चली गई है, अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर मिर्च, और इसके बाद और मिलते हैं आपको कि आगे क्या क्या होता है, एकदम आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो दोस्तों लगभग हमारी मिर्च निकल चुकी है, तो इसके बाद की प्रोसेस आपको वीडियो में आगे चलती ही रहेगी, बट अभी हमारी मिर्च तो निकल गई है देख सकते हो आप लोग, और देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। तो मिर्च निकल गई है, कुछ लाल निकाली थी मैंने और कुछ हरी निकाली है, ज़्यादातर अचार के लिए ना हरी वाली मिर्च का यूज होता है। तो ये देखो मिर्च भी लगभग निकाल दी है, इतनी मिर्च निकाली हम लोगों ने, और इसको ना एकदम बीच जो ये मिर्च है इसको बीच से काटना है, मतलब ऐसे देख सकते हो ऐसे काटना है इसको। तो अभी सारी मिर्च एक बारी अच्छे ढंग से काटते हैं और उसके बाद की आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको। तो ये देखो ये है इतनी सारी मिर्च, हरी मिर्च है सारी की सारी, कोई मोटी भी है ज़्यादा ही मोटी, ये देख सकते हो, और इसको हमने ऐसे काटना है, ये देख सकते हो आप लोग ऐसे काटना है इसको, ताकि इसके बीच मसाला जा सके पूरे एकदम ढंग से। तो ऐसे काटना है एक बारी पूरा, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आगे की प्रोसेस बताते हैं आपको अब। तो देखो मिर्च के हमने ऐसे दो टुकड़े कर दिए हैं, हर कोई ये देख सकते हो पूरी मिर्च के सबके टुकड़े हो गए, और अब हमने करने हैं जो नींबू लाए हैं ना, 2-4 नींबू लाए हूँ मैं, तो हम लोग फर्स्ट में जो नींबू लाए थे उसके भी थोड़ा बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और बीज उसके अलग करने, हमने ये बीज ना निकाल देना क्योंकि ये कड़वा होता है, बीज ज़्यादा ही कड़वा होता है, तो इसलिए इसको पूरा अलग करना है। तो देखो भाई ऐसा है, तो अभी इसको एक बार काटते हैं और फिर इसमें मसाले मिलाने हैं, तेल मिलाना है और मसाले मिलाने हैं, तो वो भी अभी पूरा होगा। तो इस पैसे हमने मतलब जो इसके बीज होते हैं ना उसको साइड करना है, और जो ये हैं उनको नीचे रखना है, ये देख सकते हो इसके बीज हैं इस पर, तो इसको निकाल देंगे क्योंकि ये कड़वा होता है ना, तो इसलिए इसको निकाल देंगे हम लोग। तो ऐसा देख सकते हो ऐसा कुछ है इसको, तो अभी एक बारी इसको भी काट लेता हूँ पूरा और उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो लगभग सारी चीज़ कट गई है, मतलब जो हमने नींबू लाए थे वो भी कट गए हैं, और जितने भी मिर्च हमने कट मारना था ना वो भी कट गया, और अब बारी आती है तो जो हम अचार मसाला लाए हैं ना, अब बारी आती है उसको डालने की, और थोड़ा बहुत नमक डालेंगे
स्वाद अनुसार। इसमें भी थोड़ा बहुत नमक है लेकिन थोड़ा अलग से भी डालना पड़ता है, तो हम वो डालेंगे। तो पहले आप मसाले डालते हैं एक बारी। तो ये है घर वाला मसाला, ये देखो अलग से इस वाइप है, जिसमें लहसुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं घर की डाली हुई, तो वो इसमें। और इसमें अचार मसाला, जो कि हम इसको भी डालेंगे लगभग थोड़ा बहुत। और पहले तो इसको डालना है यहाँ पे, और इसी के बगल में जो हमने तेल किया था ना इससे पहले गरम, तो अभी ठंडा होने के लिए, वैसे अभी ठंडा हुआ नहीं है बट इसको बाहर पर रखा है कि जल्दी ठंडा हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत हल्दी डालना है इसमें। तो इसमें मिर्च मसाला जो घर वाला था वो पड़ा, और अब पड़ेगा इसमें अचार मसाला, ये वाला अचार मसाला, ये देखो अचार मसाला, ये पूरा पड़ा। तो ये पड़ गया, और अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। और ये देखो जो अलग से लाल मिर्च निकाली थी ना उनको सेपरेट कर दिया है, जितनी भी लाल थी वो सब अलग थी, और जो छोटी छोटी हरी मिर्च थी उनको भी कर दिया। और अब पड़ेगा इसमें नमक, थोड़ा नमक। तो ये सब चीज पड़ गया, और अब इसको करना है हमने लास्ट में मिक्स। तो अभी ठंडा हो गया लगभग, इसको हमने आधे घंटे रखा था, और अब देखो इसमें एक बार थोड़ा बहुत तेल मिलाना है ताकि ये ढंग से मिक्स हो कर दें। हाथ से एकदम अच्छे ढंग से मिक्स करेंगे इसको, ये देखो। एकदम चारों तरफ, ताकि सारे मसाले ना जितने मिर्च है या जो भी नींबू है उससे पूरा लग जाए, तो ऐसे करना है इसको पूरा मिक्स। तो कुछ टाइम तो हमने इससे रोल किया बट वो पूरा लग नहीं रहा था, तो इसलिए अब हाथ से देखो एकदम हाथ से इसको पूरे पे मिक्स करेंगे इसको, और फिर आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या हो रहा है। और बस भी आ गई है, और ये भी देखो खाना खाने बैठ गई यहाँ पे छोटी बहन, क्योंकि अभी आई है स्कूल से। तो फाइनली इसको रोल करने का काम भी हो गया है, और अब इसको डालना है बॉक्स में, और इसके बाद उसमें तेल भी डालना है, क्योंकि ये दो प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो लगभग सारा काम कम्प्लीट हो गया, बस नमक भी सही है, चेक भी कर दिया हमने, थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और कंप्लीट हो गया भाई ये, अब इसके बाद इसको बोए में पैक करेंगे, और इसके ऊपर जो नमक जो तेल बचा हुआ था ना वो इस पर डालना पड़ता है पूरा, तो इसमें तेल डाल देंगे और फिर इसका काम खत्म, तो वो करते हैं अब।
और इसमें भी थोड़ा नमक इसमें डालते हैं और थोड़ा बचा हुआ इसमें डालते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा है ना। ये देखो दो डब्बे हो गए लगभग तैयार। इसमें अब लगाते हैं ढक्कन। तो ये भी तैयार हो गया और ये वाला भी तैयार हो गया और तो अब इसमें लगेगा अब ढक्कन। चल भाई ढक्कन लगा दे। ये हो गया और ये हो गया, ये दो तैयार हो गए यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें क्या था, इसमें जितने भी मसाले थे वो सब हमने निकाल करके इन दोनों में डाल दिया। और ये देखो यहाँ पे ये छोटी बहन ने थोड़ा बहुत मदद की और साथ में मेरे साथ ही मम्मी यहाँ पे। और अभी तो हो गया है लगभग ये वाला काम कम्प्लीट। तो फाइनली अचार बनके हो गया है रेडी और अब कम से कम 15 या 20 दिन इसको ऐसे रखा जाएगा ताकि ये ढंग से घुल जाए और नमक इसमें जो तेल है ना ये पूरा इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको कम से कम 15 या 20 दिन ऐसे रखेंगे और उसके बाद खाने के लिए होगा ये। तो तैयार हो गया भाई, तो अब इसको रखते हैं अलग जगह पे, सीधे ऊपर छत में रखेंगे इसको अलग जगह पे। अब इसको ऊपर रखते हैं। ये हो गया यहाँ पे एक। ये हो गया दूसरा। तो भैया फाइनली अचार बनके हो गया तैयार। तो फाइनली अचार बनके हो गया तैयार। दो डब्बे हो गए, एक थोड़ा कम हुआ लेकिन एक फुल हो गया था। तो ये थी इसकी रेसिपी, ऐसे बनाया जाता है इसको। तो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो अभी ना यहाँ पे लास्ट टाइम पे सुमित और सोनू भी आ गए, तो जो आपने बहुत सी वीडियो में देखे भी होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली किसी पहाड़ एक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।